तो दिल्ली उपरांत उत्तर भारत ना सात राज्यों में पूरे तबाही मचावी है। 72 कलाक में 76 लोगों ना मौत निपजा है। हिमाचल प्रदेश में वरसाद थी हाहाकार, भारे वरसाद ने कारण अत्यार सुधी हिमाचल में 59 लोगों ना मौत, अत्यार सुधी में 400 करोड़ थी वधुनु नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बधुं बे स्थल पर वादळ फाटवानी घटना सामे आवी छे। कुल्लू मनाली और मंडी में हजारों लोग फसाया। हिमाचल प्रदेश में मोटा भागना जिला में वीजळी फोन इंटरनेट सेवाओं ठप थई छे। कुल्लू में वादळ फाटता 100 वीघा जमीन घसी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में वरसादे ताराजी सर्जी छे। नदीओ गांडीतूर बनी, अनेक ब्रिज पाणी में गरकाव थया। हिमाचल में भारे वरसाद थी अनेक घरों धराशायी थया छे। नदी किनारे वसेला घरों पाणीना प्रवाह में थया धराशायी, अनेक रस्ताओ थया जळमग्न। 8 राज्यों में वरसाद अने पूरनो प्रकोप, एनडीआरएफ 39 टीम राहत अने बचाव में कार्यरत। हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में तबाही, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भारे वरसाद। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे सहित 100 वधु सड़कों बंद, जम्मू कश्मीर में 900 वधु रोड रस्ताओं बंद। राजस्थान में भारे वरसाद थी तराजी, जयपुर की सरकारी हॉस्पिटल में भराया वरसादी पानी, दर्दियों की भरेली हॉस्पिटल पानी पानी। उत्तराखंड में भारे वरसाद थी नदियों गांडीतूर बनी है। हरिद्वार में भारे वरसाद बाद पूर जेवी स्थिति, अनेक प्रवासी फसाता हालाकी। हरियाणा ना अंबाला में स्कूल बिल्डिंग में फसाई गये 730 विद्यार्थियों करायु रेस्क्यू। हरियाणा में भारे वरसादे ताराजी सर्जी है। सतत 3 दिवस से हरियाणा में भारे वरसाद वरसी रह्यो छे। अंबाला में 3 दिवस में 18 इंच वरसाद खाबक्यो। पंजाब में मूसलधार वरसाद बाद जलबंबाकार की स्थिति, जमीन त्या पानी जेवी स्थिति सर्जाई, अनेक लोग फसाया। चंडीगढ़ में अविरत वरसाद ने लई पूर जेवी स्थिति निर्माण थयुं छे, तो मनसा देवी तरफ जवानो रस्तो पण बंद थयो छे। पंजाब में वरसाद बाद पूर की परिस्थिति, आज पण वरसाद ने लई ऑरेंज अलर्ट अपायो छे। सतलज नदी ना पाणी ए कहर वर्ताव्यो। चंडीगढ़ में 3 दिवस में 18 इंच वरसाद नोंधायो छे, तो मोहाली और पटियाला में सेना ने तैनात कराई छे। पंजाब में 17 जेटली ट्रेनों रद्द करवामां आवी। उत्तराखंड में वरसाद ने लई रेड अलर्ट अपायो छे। 6 शहरों में वरसाद नो ऑरेंज अलर्ट अपायो छे। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में वरसाद नो अलर्ट अपायो छे। उत्तराखंड में आगामी 2 दिवस वरसाद ने लेने चेतवनी जाहिर कराई है। हरिद्वार और नैनीताल में सावधान रहवा लोगों ने चेतवनी अपाई है। उत्तराखंड में कुदरते रौद्र स्वरूप धारण कर्यु छे। भारे वरसाद थी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन सर्जायु छे। ट्रावेल टेम्पो पर पत्थरों पड़ता 4 लोगों ना मौत। उत्तर भारत में वरसाद थी यमुना नदी में पूर की स्थिति सर्जाई है। दिल्ली में यमुना जलस्तर 206 मीटर थी ऊपर, खतरा निशाना थी ऊपर वही रही है यमुना। सूरतना कामरेज में धोधमार वरसाद खाबकी रह्यो छे। अबोली थी कठोर जता मार्ग पर वरसादी पानी भराया। हाईवे न जोड़ता मार्ग पर 1 फूट की वधु पानी भराया छे। पानी भराता वाहन चालकों ने पड़ी हालाकी। सूरतना उलपाड़ में धोधमार वरसाद वरसो छे। वादळछाया वातावरण की वच्चे धोधमार वरसाद। सूरत शहर के केटलाक विस्तारों में वरसाद वरस्यो छे। रांदेर, अडाजण, रामनगर सहित विस्तारों में वरसाद। सूरतना ग्राम्य पंथकों में पण वरसाद वरस्यो छे। कामरेज, पलसाणा में वरसाद, कामरेजना नवागाम, उभेळ गाम में वरसाद। बारडोली थी गांधी कॉलोनीना नीचाणवाळा विस्तारोंना घरामां वरसादी पाणी भराया छे। घरोमां वरसादी पाणी भराता लोकोनी घरवखरी पलटी गई। सूरतमां कोसबेनी सपाटीमां वधारो थयो छे। वरसादी पाणीनी आवक थता कोसबेनी सपाटी वधी, कोसबेनी सपाटी 6.43 मीटर पहोंची। सूरत में ओलण नदी परना पुल पर पानी फरी वळ्या छे। मऊवाना भगवानपुरा और सांबा ने जोड़ता पुल पर पानी भराया छे। बुडेलीना ढोकलिया गामे वरसादी पानी भराता कूतरना पानी ढोकलिया गाम में फरी वळ्या। छोटाउदेपुरना बुडेली में वरसादी पानी भराया छे। बुडेलीना बन्ने रेलवे गरनाळा में वरसादी पानी भराया, लोकोने पड़ी हालाकी।
છોટાઉદેપુર ના બોડેલી ની બજારો માં વરસાદી પાણી ભરાતા લોકો ને પડી હાલાકી. નીચાણવાળા વિસ્તારો માં પાણી ભરાયા. છોટાઉદેપુર નું રાજવાસણા ચેકડેમ છલોછલ. ઉપરવાસ માં વરસાદ થી ચેકડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. હેરણ નદી બે કાંઠે થતા ચેકડેમ ઓવરફ્લો. છોટાઉદેપુર ના પાવીજેતપુર માં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો છે. વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ થી જનજીવન ખોરવાયું. ખેડામાં કપડવંજના લાડુજીના મુવાડાથી દાતાલીને જોડતો રસ્તો પાણીમાં થયો ગરકાવ. પંચમહાલમાં ભારે વરસાદને લઈ હાલોલ અને જમ્મુ ઘોડા પંથકમાં નદી નાળા છલકાયા. બનાસકાંઠાના ખેડૂતોની માટે મોટી રાહત. બનાસ નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. બનાસ નદીમાં પાણીની આવકમાં સતત વધારો. ઉપરવાસમાં થયેલા વરસાદને કારણે બનાસકાંઠાના દાંતીવાડા ડેમમાં પાણીની આવક થઈ છે. ખેડૂતો જોવા મળ્યા ખુશખુશાલ. બનાસકાંઠાના ઈડર સહિતમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. ભારે વરસાદને લઈ સાબરમતી નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ. સાબરકાંઠામાં સતત વરસાદને લઈ અને ધરોઈ ડેમમાં પાણીની આવક થઈ છે. ડેમના જળસ્તરમાં 4 ફૂટ વધારો થતાં ધરોઈ ડેમ 68% ભરાયો. સાબરકાંઠામાં પ્રકૃતિ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી છે. લુપ્ત થયેલા ઝરણા ફરી વહેતા થયા. અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદથી નદીઓમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. વાત્રક નદીમાં 3,850 ક્યુસેક પાણીની આવક. અરવલ્લી જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ. વાયડ પંથકમાં ગઈકાલે 4 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. બાળની પ્રાથમિક શાળામાં પાણી ભરાતા શાળાના આસપાસના ઘરોમાં પણ 3 ફૂટ જેટલા પાણી ભરાયા. લોકોને પડી હાલાકી. બાયડમાં વરસાદ બાદ તારાજીના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. શ્રીનાથજી પાર્ક સોસાયટી, લાખેશ્વરી સોસાયટી પાણીમાં ગરકાવ. તો વરસાદને કારણે વસાહતના શ્રમિકો 2 દિવસથી ભૂખ્યા તરસા. અરવલ્લીમાં મેઘમહેરથી જળાશયો છલકાયા છે. માલપુર તાલુકાનો ચેકડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. ઉભરાણ ગામે આવેલા ચેકડેમ ઓવરફ્લો. મહીસાગરના બાલાસિનોરમાં નદી નાળા છલકાયા છે. પ્રાથમિક શાળા અને આરોગ્ય સેન્ટરની દિવાલ ધરાશાયી. મહીસાગર જિલ્લામાં વરસાદથી રસ્તાઓ ધોવાયા છે. ખાનપુર તાલુકામાં કોતર પરના નાળા પરનો રોડ તૂટ્યો. રોડ તૂટી જતા 12 ગામોને અસર. જામનગરના કાલાવાડમાં ફલકુડી નદીમાં ઘોડાપુર આવ્યું છે. સનાળા, સરવાણિયા, જણસર અને જામવાડીમાં ધોધમાર વરસાદ.